हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। आज मैं आपके लिए फिर से एक नई वीडियो लेकर आई हूँ और वीडियो बहुत ही हेल्पफुल होने वाली है, तो इस वीडियो में आप लास्ट तक बने रहें। और आज हम एक नई रेसिपी बनाने वाले हैं। रेसिपी आज हम बनाने वाले हैं व्हाइट ग्रेवी का पनीर। गैस पर कढ़ाई को मैंने रख दिया है। 1 टीस्पून हमने घी डाल दिया है, आधा टीस्पून जीरा डाला है, 2 बड़ी बड़ी प्याजें मैंने पहले ही काट कर रख ली थी, उन्हें हम हल्का सा भून लेंगे, बहुत ज़्यादा नहीं भूनना है, हल्का सा रोस्ट करना है। अब हम अदरक और हरी मिर्च लेंगे, इन्हें बीच में ही डाल देंगे और थोड़ा सा रोस्ट कर लेंगे। इस तरह हम भूनते हुए इन्हें गोल्डन ब्राउन होने तक भूनेंगे। ये मैंने कुछ मूँगफली लिया है जो मैंने पानी में पहले से ही भिगो कर रखी हुई थी, अब ये मैंने इसमें से बाहर निकाल ली है, तो इन्हें बीच में डाल देंगे। काजू लिए हैं, काजू को मैंने ऐसे ही डाल दिया, इन्हें भिगोया नहीं था। तो आप इस तरह से सारे इंग्रेडिएंट्स इसमें डालेंगे और इन्हें हल्का सा भून लेंगे। अब जार लेंगे, इंग्रेडिएंट्स हमारे सारे ठंडे हो चुके हैं, जार में डालेंगे और इन्हें एक पेस्ट रूप में तैयार कर लेंगे। अब हमने पनीर 200 ग्राम मैंने पनीर लिया, इसे भी काट के रख लिया था। अब हम इसे इसमें इसी ऑयल में ही इसमें ऐसे थोड़ा सा ऐसे ही रोस्ट कर लेंगे। बहुत ज़्यादा घी हमें यूज नहीं करना है, सिर्फ हल्का सा इन्हें रोस्ट करना है ताकि इनका हल्का सा कलर चेंज हो जाए। बस इतना ही हमें रोस्ट करना है। दूसरी तरफ से भी हम इन्हें सेक लेंगे, इस तरह से पलटते हुए दोनों तरफ से हम इसे सेक लेंगे पनीर को। देखिए हल्का सा गोल्डन ब्राउन हो चुका है। अब हम सारा पनीर बाहर निकाल लेंगे। देखिए पनीर हमारा तैयार हो चुका है। फिर से हम गैस के पास चलेंगे और कढ़ाई में हल्का सा बटर डाल देंगे और बटर को पहले अच्छे से मेल्ट होने देंगे। और गैस का फ्लेम है हमें लो ही रखना है, हाई फ्लेम नहीं रखना है, क्योंकि जो हमने ग्रेवी तैयार की है उसमें काजू है, और काजू यदि हम तेज गैस पर बनाएंगे काजू की ग्रेवी को तो हमारी ग्रेवी जल जाएगी और चिपक जाएगी इसमें, तो वो अच्छी नहीं बनेगी। इसलिए गैस का फ्लेम हमें लो ही रखना है। ग्रेवी देखिए हमारी तैयार हो चुकी है। तो अब कढ़ाई में के अंदर हम ग्रेवी डाल देंगे और हल्के हाथ से इसे चलाते रहेंगे। थोड़ा सा मैंने दूध लिया था, उसमें 2-3 कली केसर की डाली है, वो भी मैंने पहले से ही भिगो कर रख दी है। थोड़ा सा मैंने इसी बर्तन में पानी लिया है, इसे घुमाकर इसमें डाल दिया है। अब हम 2 से 3 चम्मच दही लेंगे। दही मीठा होना चाहिए, खट्टा नहीं होना चाहिए, नहीं तो हमारी ग्रेवी फट जाएगी। और इसे उसे पहले से ही फैट कर आप तैयार कर कर रख लें और इसमें डालेंगे, फिर से इसे चला लेंगे। और हमें तब तक चलाते रहना है जब तक हमारी ग्रेवी में उबाल नहीं आ जाता, नहीं तो हमारी ग्रेवी फट जाएगी। यदि हम छोड़ देते हैं तो हमारी ग्रेवी फट कर ख़राब हो जाएगी, इसलिए हमेशा इसे चलाते रहना है जब तक इसमें उबाल नहीं आ जाता। अब हमने जो दूध में केसर भिगोया था उसे भी इसमें डाल देंगे और फिर से हम इसे चलाते रहना है जब तक इसमें उबाल नहीं आ जाता। जब उबाल आ जाएगा उसके बाद हम इसमें पनीर ऐड करेंगे। देखिए उबाल आने लगा है, ग्रेवी हमारी गर्म होने लगी है। अच्छे से उबाल आने देंगे, तब तक हम इसे ऐसे ही चलाएंगे। देखिए बिल्कुल हमारी ग्रेवी में उबाल आ गया और हमारी ग्रेवी अच्छी बनी है, फटी भी नहीं है। तो ये इसलिए हमें हमेशा चलाते रहना है। पनीर डालेंगे और पनीर को अच्छे से इसमें मिक्स कर देंगे और फिर से हम इसे 2 मिनट तक ऐसे ही चलाते हुए पकाएंगे। हमें बिल्कुल भी गैस से अलग नहीं होना है, नहीं तो हमारी ग्रेवी ख़राब हो जाती है, क्योंकि इसमें हमने दही का यूज किया है और दही हमारी फट जाती है। और अब हम गैस बंद करेंगे और आधा टीस्पून या टेस्ट के अनुसार आप इसमें नमक डालेंगे। नमक अपने टेस्ट के अनुसार कम ज़्यादा कर सकते हैं, क्योंकि हमें लास्ट में ही नमक ऐड करना होता है, पहले से हम नमक ऐड नहीं करेंगे, नहीं तो हमारी ग्रेवी फटने का चांस बना रहता है। देखिए हमारा पनीर बनकर तैयार हो चुका है, अब ठंडा कर लेंगे। अब एक बाउल लेंगे और बाउल में अपनी पनीर को निकाल लेंगे। व्हाइट ग्रेवी का पनीर हमारा बनकर बिल्कुल तैयार हो चुका है। इस रेसिपी को एक बार ज़रूर ट्राई करें, बहुत अच्छी रेसिपी बनकर तैयार होती है। अब हमने 4 से 5 काली मिर्च ली थी और उन्हें फ्रेश हमने कूट लिया था, क्योंकि उसका फ्लेवर अलग होता है, इसलिए आप पहले से कूट कर रख लें और इसमें डालेंगे और अच्छे से ऊपर से मिला देंगे। अब यदि आप चाहें तो हरा धनिया डाल सकते हैं, वरना हमारा ब्लैक पेपर पनीर तैयार हो चुका है। आप इसे रोटी से, चावल से, किसी से भी खा सकते हैं, बहुत अच्छी रेसिपी बनकर तैयार होती है। आई होप आपको मेरी ये रेसिपी पसंद आई हो, तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। बेल आइकन को दबाना ना भूलें ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। ऐसी नई नई वीडियो लेकर मैं आपके साथ आती रहूँगी। तो मिलते हैं अगले ऐसी ही वीडियो में। टेक केयर।